नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर बड़ी अपडेट रेलवे में, जो छात्र नई भर्ती का वेट कर रहे हैं उनके लिए। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है कि रेलवे के अंदर जो जेई डीएमएस सीएमए या फिर दोस्तों टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है, जिनका यहाँ पर कैंडिडेट वेट कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर झटका लग सकता है। चलिए पूरा मामला यहाँ पर देखते हैं। तो चलिए देखते हैं पूरा अपडेट। उससे पहले हम दोस्तों आपको एक और अपडेट देना चाहेंगे, जो आरआरसी ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की तरफ से आ रही है। जी हाँ दोस्तों, ये अपडेट है आरआरसी ग्रुप डी भर्ती 2019 का, लेवल वन भर्ती 2019। यहाँ पर दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन जो होता है उसके लिए कैंडिडेट को भेजा गया था, और यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट थे वो यहाँ पर मेडिकल एग्जाम में एबसेंट हो गए, मतलब मेडिकल एग्जाम के लिए पहुँचे नहीं। तो ऐसे में जो रेलवे है उन्होंने उनको मौका दिया गया है कि वो अपना मेडिकल एग्जाम यहाँ पर करवा सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 6 कैंडिडेट हैं, इनके रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आपके सामने लिखे गए हैं। इन्हें दोस्तों एक मौका दिया गया है कि वो 15 जनवरी से लेकर 18 जनवरी 2024 तक अपना मेडिकल एग्जाम करवा सकते हैं। और यहाँ पर ये एड्रेस दिया गया है आरआरसी ईस्टर्न, और यहाँ पर देखिए इस एड्रेस पर इनको जाना है। यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि आपको डॉक्यूमेंट भी लेके आने हैं सारे के सारे, जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट है, डीवी के टाइम पे जो भी आपका डॉक्यूमेंट हुए थे सारे सारे आपको लेके जाने हैं। और यहाँ पर दोस्तों ये लास्ट चांस है आपके लिए, अगर आप दोस्तों फिर भी यहाँ पर एबसेंट हो जाते हैं तो फर्दर किसी प्रकार का आपको कोई चांस नहीं दिया जाएगा। अब चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं रेलवे में नई भर्ती का। देखिए रेलवे में जल्द आपको नई भर्ती देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं यहाँ पर ये असमंजस में है कि रेलवे में किन किन की वैकेंसी आने वाली है। देखिए मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि 3-4 कैटेगरी ऐसी है जिनमें दोस्तों रेलवे को वैकेंसी यहाँ पर निकालनी ही पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। जैसे कि रेलवे में लेवल वन की जो पोस्ट है, जिसे आप ग्रुप डी के नाम से जानते हैं। अब देखिए रेलवे में जो लेवल वन में कर्मचारी शुरुआत में भर्ती होते हैं तो वो प्रमोशन लेकर उच्च लेवल में चले जाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर जो है लेवल वन की वैकेंसी यहाँ पर टाइम से टाइम यहाँ पर वैकेंट होती रहती है। इसके अलावा रेलवे में प्रमोशन से और भी जो कैंडिडेट हैं यहाँ पर आगे बढ़ते रहते हैं, तो जो एएलपी होते हैं वो एएलपी बन जाते हैं, मतलब लोको पायलट बन जाते हैं, सीनियर लोको पायलट बन जाते हैं, मेल एक्सप्रेस ड्राइवर बन जाते हैं। तो ऐसे में एएलपी की वैकेंसी भी दोस्तों रेलवे में यहाँ पर आती है। इसके अलावा जो गार्ड होते हैं, गार्ड का भी प्रमोशन होता रहता है, तो गार्ड की जो इनिशियल वैकेंसी होती है जो 2800 पे ग्रेड की, वो दोस्तों गुड गार्ड्स जिसको ट्रेन मैनेजर के नाम से जाना जाता है, वो दोस्तों यहाँ पर रेलवे में आएगी। इसके अलावा विभिन्न जो कोटियाँ हैं उनकी भी वैकेंसी दोस्तों यहाँ पर रेलवे में आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर देखिए ये एक अपडेट है रेलवे बोर्ड की तरफ से आज का, तो यहाँ पर चलिए यहाँ पर इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए रेलवे बोर्ड ने सभी जो जनरल मैनेजर हैं, सभी जोनल रेलवे के, उनको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए हैं। और इंस्ट्रक्शन का आप सब्जेक्ट देखिए, फिलिंग अप ऑफ वैकेंसीज बाई जोनल रेलवे पीयूएस फ्रॉम स्टैंड बाई कैंडिडेट ऑफ CN01 2018 टेक्नीशियन एंड CN03 2018 जेई डीएमएस सीएमए। देखिए दोस्तों यहाँ पर रेलवे में 2018 के अंतर्गत कई वैकेंसी निकाली गई थी, उनमें से यहाँ पर दो वैकेंसियों के बारे में बात हो रही है। एक वैकेंसी निकाली गई थी एएलपी टेक्नीशियन की, जो सबसे लेटेस्ट वैकेंसी यही आई थी रेलवे के अंदर, उसके बाद में रेलवे के अंदर कोई वैकेंसी नहीं है एएलपी टेक्नीशियन की। तो एएलपी टेक्नीशियन की 2018 में वैकेंसी आई थी और वह नोटिफिकेशन क्रमांक CN01 2018 के तहत आई थी। और एक और वैकेंसी आई थी CN03 2018, और उसमें 200 जेई की वैकेंसी थी, डीएमएस की और सीएमए की, ये तीन वैकेंसी आई थी। अब यहाँ पर देखिए ये किसके, यहाँ पर बताया गया है कि इन वैकेंसियों को भरने के क्रम में, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि रेलवे बोर्ड ने पहले भी यहाँ पर जो कैंडिडेट स्टैंड बाई हैं उनको मद्देनजर रखते हुए रेलवे में जो टेक्नीशियन की जो पोस्ट है और रेलवे में जो जेई की वैकेंसी है और पैरामेडिकल की जो वैकेंसी है, उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव जो नीड है उनको देखते हुए यहाँ पर वेटिंग क्लियर करने का प्रावधान यहाँ पर किया गया था। और यहाँ पर दोस्तों रेलवे ने यह भी बताया गया था कि भाई 31/12/2023 तक जो भी वैकेंसी खाली हो रही हैं उनको आप स्टैंड बाई कैंडिडेट से भरिएगा। देखिए मैं आपको पहले स्टैंड बाई कैंडिडेट हैं इनकी यहाँ पर डेफिनेशन बताता हूँ कि स्टैंड बाई कैंडिडेट क्या होते हैं। देखिए सपोज कीजिए 1000 वैकेंसी निकली है कहीं भी किसी भी पोस्ट के लिए, तो पहले क्या करते हैं रेलवे, अब तो दोस्तों रेलवे ने नियम चेंज कर दिया है। पहले दोस्तों ये था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 1.5 कैंडिडेट को बुलाया गया था, ठीक है, ये जितनी भी सीटें थी उनका 1.5 को ना कैंडिडेट को बुलाया, मतलब कि 1000 सीटें हैं और 1500 कैंडिडेट को डीवी मेडिकल के लिए बुला लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1500 कैंडिडेट जो हैं इनमें से कुछ कैंडिडेट टीवी में एबसेंट भी होंगे, मान लेते हैं कि 100 कैंडिडेट एबसेंट हो गए, ठीक है, और कुछ कैंडिडेट मेडिकल में बाहर निकल गए, मान लेते हैं कि 100 कैंडिडेट मेडिकल में बाहर निकल गए, तो इस प्रकार से 200 लोग बाहर निकल गए तो कितने बच गए, 1300। लेकिन सीटें तो दोस्तों यहाँ पर 1000 ही हैं, तो ऐसे में जो 1000 कैंडिडेट टॉप के
उनको यहाँ पर अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। लेकिन जो 300 एक्स्ट्रा कैंडिडेट बच गए इन्हें दोस्तों बोलेंगे स्टैंड बाई कैंडिडेट, ठीक है। तो इनके लिए यहाँ पर अपडेट है कि रेलवे ने पहले भी यहाँ पर इंस्ट्रक्शन जारी करके 31 दिसंबर 2023 तक जितनी भी सीटें यहाँ पर वैकेंट हो रही थी उनको दोस्तों यहाँ पर जो है वेटिंग क्लियर करने के निर्देश दिए थे। अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर द मैटर ऑफ फिलिंग ऑफ द वैकेंसीज ऑफ जेई एंड टेक्नीशियन बाई स्टैंड बाई कैंडिडेट हैज़ बीन कंसिडर फर्दर बाई रेलवे बोर्ड। और यहाँ पर देखिए रेलवे बोर्ड का जो चेयरमैन और सीईओ है इन्होंने दोबारा से यहाँ पर ये डिसाइड किया है कि यहाँ पर जो पहले का लेटर था उसको दोस्तों 30/6/2025 तक बढ़ा दिया जाए। यानी कि दोस्तों जेई की डीएमएस और सीएमए की जो वैकेंसी आने वाली है उनमें दोस्तों यहाँ पर 30/6/2025 तक जितनी सीटें यहाँ पर आने वाली हैं उनको यहाँ पर वेटिंग से क्लियर किया जाए, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो 30/6/2025 तक जो भी सीटें यहाँ पर आने वाली हैं चाहे टेक्नीशियन की हों चाहे जेई की हों दोनों सीटें यहाँ पर स्टैंड बाई कैंडिडेट से यहाँ पर भरी जाएंगी। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर ये दिक्कत हो सकती है जो कैंडिडेट यहाँ पर वेट कर रहे हैं नई भर्ती आने का, तो जेई के जो कैंडिडेट हैं और जो टेक्नीशियन की भर्ती का वेट कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर ये थोड़ा झटका उनको लग सकता है। और यहाँ पर इन्होंने ये भी बोला है कि भाई 30/6/2025 तक की सीटों को आप जब लेंगे और कैंडिडेट की वेटिंग क्लियर करेंगे स्टैंड बाई की तो यहाँ पर उनका मेडिकल फिटनेस भी यहाँ पर ध्यान में रखा जाए और सिमिलर जो क्वालिफिकेशन है उसका भी यहाँ पर ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो यहाँ पर आगे और बताया गया है कि इट इज़ इटरेटेड दैट एम्प्लॉयमेंट इज टू डन टू द एक्सटेंट ऑफ स्टैंड बाई कैंडिडेट इज ऑलरेडी अवेलेबल विद RRB एंड नो न्यू राउंड ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज टू बी डन इफ डिमांड अनमेट। यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि कैंडिडेट पहले ही रेलवे के पास हैं क्योंकि रेलवे ने पहले ही मैंने आपको बताया कि 1.5 गुना कैंडिडेट को पहले टीवी में बुला लिया। तो ऐसे में यहाँ पर ये बोला गया है कि आप केवल स्टैंड बाई जो कैंडिडेट हैं उनसे ही ये जो वेटिंग है इसको क्लियर करें, यानी कि एक्स्ट्रा DV की लिस्ट ना निकालें, यानी कि और DV की लिस्ट ना निकालें। और यहाँ पर बताया गया है वैलिडिटी ऑफ ऑल पैनल अंडर CEN मेंशन इन द सब्जेक्ट अबोव इज एक्सटेंडेड अप टू 31st December 2025। और इस संबंध में जो भी डीवी पैनल पहले निकल चुके हैं, ठीक है, जिनको ज्वाइनिंग यहाँ पर नहीं दी गई है तो उनकी वैलिडिटी यहाँ पर बढ़ा दी गई है और 31 दिसंबर 2025 तक उनका पैनल मान्य होगा। यानी कि जो कैंडिडेट पहले डीवी करा चुके हैं और मेडिकल एग्जाम भी करा चुके हैं तो ऐसे में उनका जो पैनल है उनकी वैधता यहाँ पर रहेगी 31/12/2025 तक। तो यहाँ पर दोस्तों इसको मैं समराइज कर देता हूँ कि यहाँ पर वैकेंसी निकली थी 2018 के अंदर, उसमें दो वैकेंसियों की बात हो रही है, एक टेक्नीशियन की एक जेई की। तो यहाँ पर ये जो वैकेंसी है इनमें जो कैंडिडेट स्टैंड बाई रह गए थे वेटिंग में रह गए थे उनकी वेटिंग को क्लियर करने के लिए रेलवे बोर्ड ने पहले भी दोस्तों एक नोटिस जारी करके 31/12/2023 तक उनकी वेटिंग क्लियर करने का प्रावधान रखा गया था। लेकिन अब ये टाइमलाइन है इसको यहाँ पर बढ़ा दिया गया है और दोस्तों यहाँ पर इनकी जो वेटिंग है अब 30/6/2025 तक की वैकेंसी काउंट करके भी की जा सकती है। इससे दोस्तों इम्पैक्ट ये पड़ सकता है कि जो नई भर्ती आने वाली हैं उनमें दोस्तों आपको थोड़ी कमी देखने को मिल सकती है। जो कैंडिडेट नई वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं जेई के अंदर या आपके टेक्नीशियन के अंदर तो उनको यहाँ पर थोड़ा झटका लग सकता है। तो ये पूरा समराइज कर दिया गया है। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा, जानकारी आपको अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।